नमस्कार, मैं हूँ नवजोत रंधावा और कवि सम्मेलन में आपका स्वागत है। कहते हैं पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। ऐसा ही कुछ हुआ है अतीक अहमद के साथ पिछले दिनों। अतीक अहमद का अंत हो गया और वो महज एक कहानी बनकर रह गया है, लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत सारे सबक हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। तो आज उन्हीं कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे कवियों की जुबानी। आइए शुरुआत करते हैं कवि सम्मेलन की। तो कवि सम्मेलन में सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए, हमारे साथ हैं अनामिका अंबर। बहुत बहुत स्वागत है अनामिका, अनामिका जी। हमारे साथ है पवन आगरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नीर गोरखपुरी हमारे बीच है, बहुत स्वागत है नीर आपका भी। और हमारे साथ हैं विभोर, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए अतीक की कहानी जुड़ी है प्रयागराज से, इसलिए हमने प्रयागराज से खास तौर पर योगी जी को बुला लिया है। अमित मिश्रा जी हमारे बीच है, सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो योगी जी, वायदा आपने किया था कि आप कानून का राज बरकरार रखेंगे और मेरे ख्याल से उस वायदे पर आप खरा उतर भी रहे हैं। नवजोत महोदय, यह मैंने सदन के पटल पर भी रखा था और कहा था कि जो भी माफिया टाइप के लोग हैं इनको हम मिट्टी में मिला देंगे। ताली बजाते रहो यार, हम इनको मिट्टी में मिला देंगे। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं ये कोशिश करते हैं, माफियाओं को प्रश्रय देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। तो मैं ये बता दूं कि डबल इंजन की सरकार है ये मिट्टी में भी मिलाएगी और बुलडोजर भी चलाएगी। क्या बात है, क्या बात है। तो सबसे पहले अनामिका जी, देखिए योगी जी ने तो कह दिया डबल इंजन की सरकार है, बुलडोजर भी चलेगा, आतंक का खात्मा भी होगा, मिट्टी में भी मिलाए जाएंगे। तो अपराधियों का हाल क्या है यूपी में, जरा वो बताइए। अब आज यहाँ महफिल में योगी जी भी उपस्थित है, हाँ। तो उत्तर प्रदेश का हाल तो जो है सो है और जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन इस समय जो छोटे मोटे कांड भी कर रहे हैं लोग, नहीं मैं आपकी तरफ देख के आपसे नहीं कह हालांकि मैं इस तरह के छोटे मोटे डॉन के लिए भी कुछ लिख करके लाई हूँ, हाँ। जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, तो मैं वो भी पढ़ूंगी। लेकिन हाँ, कुछ पंक्तियों से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ और बताती हूँ कि आजकल उत्तर प्रदेश में माफियाओं की हालत क्या है। आप सबसे अनुरोध है, कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे, अर्थात आपके दिल तक पहुंचे, तो आपकी तालियां आती रहे, पंक्तियां अच्छी लगे तो आपका मन मिलता रहे। सुनिएगा, सबसे पहले वो बात कहती हूँ नवजोत जी, होता क्या है कि किसी भी क्राइम की शुरुआत, किसी भी अपराध की शुरुआत ऐसे एकदम बड़ी बीमारी की तरह नहीं होती है, छोटी सी बीमारी, छोटे छोटे सिम्टम्स देखने में आते हैं। यदि उन्हीं सिम्टम्स को देख करके रोक दिया जाए, और वो सिम्टम्स कैसे होते हैं, चार पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, सुनिए। स्वागत जी। जुबा मिश्री नजर पैनी, बड़े शातिर लुटेरे हैं। वाह वाह, आप लोग आवाह कर सकते हैं। टाइमिंग्स का ध्यान रखिए, जब पंक्ति खत्म हो तब करनी है। कि जुबा मिश्री नजर तिरछी, जुबा मिश्री नजर पैनी, बड़े शातिर लुटेरे हैं। क्या बात है, वाह, ये तो ट्रेंड हो गए। जुबा मिश्री नजर पैनी, बड़े शातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे। क्या बात है, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे। और आसपास देख लीजिएगा, ये जुबा मिश्री नजर पैनी, बड़े शातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं। जरा बच के तू चल इनसे, जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे। क्या बात है, अच्छा, ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे। बहुत धन्यवाद। और एक पैरोडी से शुरुआत करना चाहती हूँ, योगी जी आप भी सुनते रहिए और आप देखिए आपने क्या हाल कर दिया इन बेचारों का। स्वागत है, किनारे कर दिया गया है इनको। नहीं, आपकी ही बात चल, ये जरूरी भी था ना। हाँ, ये जरूरी भी था। इनके घर का एड्रेस दीजिए, बुलडोजर भिजवाना है। तो
मेरा मन है कि एक दो सारा रारा से शुरू करके वो पैरोडी खत्म करती है। सब तैयार है आप सबको मेरे साथ सारा रारा करना है। सुनेगा अभी जैसे कि आपने कहा बुलडोजर चलवाना है, तब कहती हूँ कि आज समय ने अपराधों की ऐसी फाइल खोली, आज समय ने अपराधों की ऐसी फाइल खोली, कल जो गोली मार रहे थे मरे हैं खाके गोली, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। जेल से जब जब बाहर निकले जुर्म के बड़े खिलाड़ी, जेल से जब जब बाहर निकले जुर्म के बड़े खिलाड़ी, सोच रही थी जनता सारी अब पलटेगी गाड़ी, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। बाबा जी का डमरू बाजे सभी माफिया नाचे, ओ कि बाबा जी का डमरू बाजे सभी माफिया नाचे, बुलडोजर की घड़घड़ सुनकर भरने लगे कुलाचे, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। सारा रा रा खत्म हुए और आइए अब आपका आपकी हालत क्या है वो बताती हूँ, सुनिएगा। कि माफियाओं का होए होए हाय, अब सुनिएगा कि माफियाओं का उजड़ गया संसार रे, माफियाओं का उजड़ गया संसार रे, हाँ माफियाओं का जो लूटा घर द्वार था तो टूटा घर बार रे, माफियाओं का उजड़ गया संसार रे, माफियाओं का। अब इनके गुण सुनिएगा कि नेताओं के दुष्कर्मों से उपजे डॉन इनामी, हर हर पंक्ति पर सुनिएगा मन मानती हूँ और मजे लीजिएगा, कि नेताओं के दुष्कर्मों से उपजे डॉन इनामी, मुश्किल तुमरे दर्शन होते ओ अंडर पथगामी, मुश्किल तुमरे दर्शन होते ओ अंडर पथगामी, किडने पर हत्यारे या फिर बलात्कारी नामी, किडने पर हत्यारे या फिर बलात्कारी नामी, क्या दे तुम्हें उपाधि बोलो ओ गुंडों के स्वामी, ओ गुंडों के स्वामी। क्या हुआ बे, क्या सोच रहे थे तुम, क्या सोच रहे थे तुम कि बच जाओगे इस बार रे, माफियाओं का उजड़ गया संसार रे, माफियाओं का। और नवजोत जी, ये जनता में क्या अंतर आया और पहले में और अब में हमारे उत्तर प्रदेश में क्या अंतर आया, वो अंतर आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि एक समय था जब मंसूबे भाप रही थी जनता, एक समय था जब मंसूबे भाप रही थी जनता, दहशत गर्दों के दहशत से कांप रही थी जनता, दहशत गर्दों के दहशत से कांप रही थी जनता, फिर हुआ प्रशासन सख्त माफिया लगे, फिर हुआ प्रशासन सख्त माफिया लगने लगे ठिकाने, चाहे छोटे मोटे हो या फिर चाहे जाने माने, चाहे छोटे मोटे हो या चाहे जाने माने, चाहे जाने माने। क्या हुआ फिर बताती हूँ, बताती हूँ, सुनिएगा। कि फिर मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, ये है योगी की सरकार रे, माफियाओं का उजड़ गया संसार रे, माफियाओं का उजड़ गया संसार रे, माफियाओं का। बात हूँ, बात हूँ। जब हम बात इसका जिक्र कर रहे हैं कि माफियाओं का संसार उजड़ गया, अब देखिए इस पर सियासत भी खूब हो रही है, बड़े बड़े सियासतदान इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो जरा उनसे भी सुन लेते हैं। शिवपाल जी बैठे हैं, देखिए अब हमारी तो सरकार है नहीं, लेकिन इल्जाम ये सारे हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। आपने इस तरह की गाड़ी पलटनी हमारी सरकार में सुनी थी क्या? नहीं, नहीं। बताओ बच्चों, सुनी थी क्या? नहीं सुनी थी ना। लेकिन
माफियाओं का भरण पोषण करने की जो बात है वो ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। तो कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट है, न्याय सबके साथ होना चाहिए। हाँ। और ये बुलडोजर का न्याय जो है ना, ये हमारी पार्टी जो है, खैर हमारी सुनता है, भतीजा ही नहीं सुनता तो सरकार कोई बात नहीं। शिवपाल जी देखिए, अब लड़कों से गलतियां हो जाती है ना। ओ, हमें कही थी, अब हम तो आग भी पे हैं। हम तो बैकुंठ में निवास कर रहे हैं, पर हम जैसा उत्तर प्रदेश छोड़ के गए वैसा उत्तर प्रदेश नहीं रहा है अब। नहीं तो क्या हाल चाल है भाई? नाम भी नहीं पता, इतने सारे हैं कि नाम हम याद ही नहीं कर पा रहे। क्या लेके ये क्या लेके आए आप? ये मैं मिट्टी लाया जी। अच्छा, यूपी से। बाबा जी कह रहे हैं ना मिट्टी मिला देंगे, और हमें माफिया में मिट्टी चुरा के भाग गया, जब मिट्टी नहीं बचेगी तो मिलाएंगे काय में। और मैं इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ, सबको बता दूं मेरा नाम है बिल्लू सांडा। अच्छा, मैं बदमाश बनना चाह रहा था जी बचपन से। मेरा बापू बदमाश था। बापू बदमाश था जी मेरा। अच्छा, और मैंने बचपन में पिक्चर देख ली खलनायक। Okay. मैं फैन हूँ संजय दत्त का। मैंने सोच लिया था फैन हूँ मैं। हाँ, संजय दत्त का फैन हूँ मैं। और मैं सच बताऊँ, मैं स्कूल में था जी। हाँ। मुझे कभी खेल कूद में इनाम नहीं मिला जी, मुझे कभी पढ़ाई में इनाम नहीं मिला, लेकिन जब से बदमाश बना थारे भाई के सिर पे बहुत इनाम है। इनाम की झड़ी लगी हुई जी, लेकिन यूपी पुलिस से थोड़ा सा डर लग रहा है हमें। मैं सच बता रहा, मेरी तबीयत खराब हो रही ना, तो मैं गोली नहीं खा रहा, मैं कैप्सूल खा काम चला रहा। गोली से इतना डर लग रहा, और मेरे बापू बदमाश है जी, उनका पथरी हो रही। हाँ। लेकिन इलाज करवाना हॉस्पिटल नहीं जा रहे, नु कह रहे पथरी से मर जाऊंगा, गोली से नहीं मरूंगा। और नवजोत जी, हम तो तारीख पे भी ई रिक्शा से जा रहे हैं। अच्छा। पलट भी गई तो चोट ही लगेगी बस। चक्कर में नहीं बढ़ना भाई, चक्कर में नहीं बढ़ना, बदमाश बनना था, बन गया बस। अब इनकी गलती है, इन्होंने बांध बनाया था हमें सरकारों ने, अब दूसरी सरकार मिटा रही तो हम छुपे। तो चलिए, माफिया, कानून व्यवस्था और पुलिस, इन सब की चर्चा भी करते हैं। पवन जी देखिए, मैं तो एक बात बता रहा हूँ नवजोत जी, ये छोटे मोटे बिल्लू सांडा जैसे लोगों ने, यार इनको, अरे उन्होंने बताया कितने इनाम है उनपे। हम तो एक बात आपको बता रहे हैं, हम तो बड़े लोगों की बात कर रहे हैं बाबा जी। हम तो आपसे पूछना चाहते हैं कि दिल मांगे मोर वाली स्थिति है कि बड़े बड़े धुरंधर आपकी अब नकेल में होंगे। हाँ। बड़े बड़े धुरंधर अब आपकी नकेल में होंगे, आपके दावों के मुताबिक सारे माफिया जेल में होंगे, आपके दावों के मुताबिक सारे माफिया अब जेल में होंगे। पर इतना तो बता दीजिए बाबा, आपकी सरकार में मुख्तार अंसारी किस मीटर किस स्केल में होंगे? मुख्तार अंसारी किस मीटर किस स्केल में होंगे? और देखिए ये वक्त कैसा आया, ये वक्त कैसा आया कि सभी साइलेंट मोड पर आ गए, ये वक्त कैसा आया कि सभी साइलेंट मोड पर आ गए, सियासी गणित में घटाओ और जोड़ पर आ गए। बुलडोजर बाबा ने जनता की जब से है नब्ज पहचानी, बड़े बड़े माफिया बंगलों से निकलकर रोड पर आ गए, बड़े बड़े माफिया रोड पर आ गए। और एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो गठजोड़ है जिसकी वजह से माफिया पनपते हैं, कुछ कहने की कोशिश की है कि रक्षकों और भक्षकों का ये कैसा गठजोड़ है। हाँ, रक्षकों अच्छा है। और भक्षकों का ये कैसा गठजोड़ है। हाँ। सियासी हाथों में इनकी पतंग इनकी डोर है। सियासी हाथों में इनकी पतंग इनकी डोर है। ये अतीक, ये दुबे और ये अंसारी, ये अतीक, ये दुबे और ये अंसारी आखिर सियासत से क्यों थी इनकी यारी? आखिर सियासत से क्यों थी इनकी यारी? सबूतों के अभाव में ये गिरफ्त से बाहर होते हैं, इसलिए ये एक से दो और दो से चार होते हैं। क्या बात है! इसलिए ये एक से दो और दो से चार होते हैं। शरीफों का इन पर चलता नहीं कोई जोर है। हाँ। सियासी हाथों में इनकी पतंग इनकी डोर है। क्या बात है! सियासी हाथों में इनकी पतंग इनकी डोर है। इन माफियाओं के जुल्म पूरे अभी तक जांचे नहीं है बाबा जी। हाँ। बाबा जी आपसे कह रहा हूं। हाँ। कि इन माफियाओं के जुल्म पूरे अभी तक जांचे नहीं है। सियासी संरक्षण के चलते उनके पूरे गुनाह किसी ने बांचे नहीं है।
ये तो इनकी पत्नियां भी आजकल खूब सुर्खियां पा रही हैं। हाँ। ये तो ये इनकी पत्नियां भी आजकल खूब सुर्खियां पा रही हैं। अफशा अंसारी हो या शाइस्ता अहमद, फरारी की हवा खा रही हैं। फरारी की हवा खा रही हैं। हर तरफ इनका ही जलवा, इनका ही शोर है। हर तरफ इनका ही जलवा, इनका ही शोर है। सियासी हाथों में इनकी पतंग, इनकी डोर है। क्या बात है कि सियासी हाथों में इनकी पतंग, इनकी डोर है। कुछ तो बिना नाथे हुए सियासी बैल है। अच्छा। कुछ तो बिना नाथे हुए सियासी बैल है। पुलिस और प्रशासन इनके हाथ के मैल है। पुलिस और प्रशासन इनके हाथ के मैल हैं। कोई तो सोचे ये किस तरह शैदा हुए हैं। भ्रष्ट तंत्र की कोख से पैदा हुए हैं। ये भ्रष्ट तंत्र की कोख से पैदा हुए हैं। मिट्टी में मिला देंगे, ये हुंकार घनघोर है। सियासी हाथों में इनकी पतंग, इनकी डोर है। क्या बात है, सियासी हाथों में बहुत बढ़िया इनकी डोर है। हाँ जी बाबा जी। कवि महोदय, आपको एक बात से अवगत कराना चाहूंगा। जी। माफियाओं के खिलाफ जो ये अभियान उत्तर प्रदेश सरकार का चल रहा है, इसमें 61 नए माफियाओं की एंट्री हो चुकी है और आने वाले समय में वो भी देखिएगा मिट्टी में मिल जाएंगे। वाह। 61 माफियाओं को, चाहे वो पशु माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, किसी भी तरह का माफिया हो, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो सबका साथ और सबका विकास चाहती है और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और सुरक्षा देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और आने वाले समय में करती रहेगी। बात हो रही है माफियाओं के अंत की और कानून के राज की। जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो पुलिस की होती है। अब ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाती है, जरा वो भी समझते एक पुलिस वाला किस तरह महसूस कर रहा है आज के दौर में जब वो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को संभाल रहा है। बिल्कुल नजू जी, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छे मुद्दे पे हम लोग कवि सम्मेलन कर रहे हैं। गुंडा और योगी जी बैठे हैं। आज योगी जी आके सामने काव्य पाठ करके बड़ा अच्छा लग रहा है। इन्होंने ऐसी हालत कर दी है योगी जी ने कि इनको पता क्या हो रहा है, इनके सबके साथ क्या दिक्कत हो रही है। क्या बोल रहे हैं ये सब कि हमें महसूस होता है बहुत क्लोजर, बहुत क्लोजर। जोरदार बजाओ जोरदार। हमें महसूस होता बहुत क्लोजर, बहुत क्लोजर, बना के रख दिया हमको बहुत लूजर, बहुत लूजर। हमें अब रात दिन सपनों में बस एक चीज दिखती है, वो बुलडोजर, वो बुलडोजर, वो बुलडोजर, वो बुलडोजर। पुलिस की बात करी नवजोत जी, देखिए पुलिस की जिम्मेदारी बहुत होती है। हमें गर्व होता जब जब पुलिस पे एक लाठी लेके एक हवलदार खड़ा होता और कई ऐसे काम कर देता जो हमें लगता भी नहीं है, सामने बंदूक है उसकी परवाह नहीं होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है और दर्द और पीड़ा इस बात पे होती है कि वो बेचारे सही करें गलत करें उनके ऊपर आरोप फिर भी लगाए जाते हैं, उनको शक की निगाह से देखा जाता है। मैं कांस्टेबल के ऊपर एक कविता आपके बीच में रखता हूं जी। आपको लगेगा एक कांस्टेबल जो है एक लाठी लेके खड़ा है चौराहे पे, वो क्या महसूस करता है, वो क्या देखता है, उसके ऊपर आप कविता रखता हूं। सबसे पहले चार पंक्तियां देखिए कि उस लाठी में कितनी पावर है जो कांस्टेबल लेके खड़ा हुआ है। बड़े बड़े अपराधी हारे भी दिखते हैं। बड़े बड़े अपराधी हारे भी दिखते हैं, अक्सर धुंधले नजारे भी दिखते हैं, अक्सर धुंधले नजारे भी दिखते हैं। पुलिस की लाठी को टेलीस्कोप समझो। हाँ। पुलिस की लाठी को टेलीस्कोप समझो, पड़ जाए कसके तो तारे भी दिखते हैं। ओ, अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। पड़ जाए कसके तो तारे भी दिखते हैं। अब मैं दिखाता हूँ एक कांस्टेबल और जो लाठी ले खड़ा उसके ऊपर एक कविता देखिए, आपको बीच में क्या कहते हैं गंभीरता भी नजर आएगी, हास्य भी नजर आएगा, सब कुछ नजर। देखिएगा क्या कह रहा है कांस्टेबल कि ठंड में सिकुड़ते तो गर्मी में जलते हैं, ठंड में सिकुड़ते तो गर्मी में जलते हैं, आपके लिए ही तो गुंडों से भिड़ते हैं, हम हैं तो चौराहों पर शांति है सुकून है। हम हैं तो चौराहों पर शांति है सुकून है, मनचलों के ठंडे पड़ जाते गर्म खून है, मनचलों के ठंडे पड़ जाते गर्म खून है। दबाव ताने क्या क्या नहीं सहते हैं, दबाव ताने क्या क्या नहीं सहते हैं, सही भी करें तो शक के दायरे में रहते हैं। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया। सही भी करें तो शक के दायरे में रहते हैं, लाखों की बंदूक के आगे भी ये लाठी टूटती नहीं है। लाखों की बंदूक के आगे भी ये लाठी टूटती नहीं है, जान भले जाए पल पल पुलिस फर्ज निभाने से चूकती नहीं है। क्या बात है, अच्छा है।
जान भले जाए पर पुलिस फर्ज निभाने से चूकती नहीं। एक व्यंग्य देता हूँ, आज के सारे जितने भी नेता और पार्टी लोग दो मिनट में मानवाधिकार सब लोग आरोप लगा देते हैं ना, वहां एक व्यंग्य देखता हूँ समझिएगा। टूटती नहीं है, जान भले जाए पर पुलिस फर्ज निभाने से चूकती नहीं है। बंदूक बम और हमलों पर काबू पाना खेल नहीं है। वाह, बंदूक बम और हमलों पर काबू पाना खेल नहीं है। मंत्री जी हमारे हाथ में लाठी है, राफेल नहीं है। मंत्री जी हमारे हाथ में लाठी है, राफेल नहीं है। साथ खेलने की जिद मुन्नी आंसू पोंछ कर छोड़ देती है। साथ खेलने की जिद मुन्नी आंसू पोंछ कर छोड़ देती है और मेरी बीवी वीडियो कॉल पर ही व्रत तोड़ देती है। और मेरी बीवी वीडियो कॉल पर ही व्रत तोड़ देती है। हाथ बंधे ना हो तो मिनटों में सुधार दे अपराधियों का ढंग। हाथ बंधे ना हो तो मिनटों में सुधार दे अपराधियों का ढंग और सलमान से अच्छा करके दिखा सकते हैं। होड़ होड़ दबंग 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 होड़ होड़ दबंग 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 होड़ होड़ दबंग 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 होड़ होड़ दबंग दबंग। मुझ पर भी विश्वास करो, देश के खातिर मैं भी जान गवा सकता हूँ। मुझ पर भी विश्वास करो, देश के खातिर मैं भी जान गवा सकता हूँ। एक लाठी के सहारे तुकाराम ओमले सा मरकर कसाब भी पकड़वा सकता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंतिम पक्तियां देता हूँ संभालना और सहमत हो तो पूरी जोरदार तालियां बजाना। कसाब भी पकड़वा सकता हूँ, गजब विडंबना है। देखिए हम अब खुद के लिए भी तन नहीं सकते। गजब विडंबना है, देखिए हम अब खुद के लिए भी तन नहीं सकते। माफिया भक्षक तो बन सकते हैं पर हम आत्मरक्षक बन नहीं सकते। अरे क्या भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी आप योगी जी ने प्रण ले लिया है कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज का अंत होगा। बिल्कुल, कहती हूँ कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। क्या बात, सलामत देश हो मेरा, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। और जिस प्रकार से कसम खाई है कि अंत होना ही चाहिए, ऐसे में ये मैंने पहले भी कहा था कि अचानक से नहीं कोई बन जाता है, पहले देखना होता है, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब उन्हें शुरू में ही रोक दिया जाए तो ये अंत होने का सबसे सही हमारा उठाया हुआ कदम होता है। तब मैं कहती हूँ आप सबका मन मांगती हूँ थोड़ा सा एक्टिव होइए। कहती हूँ कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है, कि फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। और गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। उत्तर बनकर आना होगा हमको हर एक शंका में, समाधान का मंत्र बनेंगे हर आहत आशंका में। और जैसे सारी यूपी अंबर राम शरण में मगन हुई, राम नाम यूं ही गूंजेगा हर रावण की लंका में। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम पुलिस वालों की बात करते हैं तो पुलिस का डर खौफ कितना रहता है? अरे इन्होंने बहुत जली कटी सुना ली है, हमारी भी सुन लो जरा थोड़ी सी। हम यूपी से हैं जी। हाँ। पहले हम आशिकी कर रहे थे तो योगी जी ने एंटी रोमियो लगा दिया। हाँ। फिर हम बदमाशी कर रहे थे तो हमारे पीछे पुलिस लगा दी। ना प्यार करण दे रहे ना व्यापार करण दे रहे। चल क्या रहा जी, हम तो जलालत हो रही। मैं बताऊं जी, हम पहले मेरठ में ना मोटरसाइकिल चुरा के कटवाया करते मेरठ में। अच्छा। लेकिन अब पुलिस की खौफ की वजह से मोटरसाइकिल नहीं लेके चलते, फोर व्हीलर लेके चल ले। अच्छा। और सुबह सुबह फोर व्हीलर लेके चलते, एक ही बात कहते हैं, आलू गोभी पालक मटर टमाटर ले लो। और कल तो पुलिस वाले मेरे घर आ गए जी, मेरा दरवाजा खटखटाया उन्होंने। हाँ। कह रहे बिल्लू सांडा दरवाजा खोल। मैंने कहा कौन है? कह रहे पुलिस है। मैंने कहा क्या बात? बोले हम चार पुलिस वाले आए तेरे से बात करनी। मैंने कहा जब तुम चार हो आपस में बात कर लो, मेरे से क्या करनी। और इतना खौफ है नवजोत जी, मैं बता रहा, हम तो जुआ भी खेल ले ना पेड़ के नीचे बैठ के, पंजों पे बैठ के खेल ले स्टार्ट की पोजीशन में। जैसी पुलिस का छापा पड़ा है ना, चौथा गेयर मार के पुलिस की जीत से तेज जा रहे।
हाँ प्यार भी नहीं कर पा रही हम बड़े परेशान हो रहे। मैं भी चाह रहा था कि बचपन में बदमाश नहीं बनना चाह रहा था। मैं चाह रहा था मैं पुलिस में जाऊं। अच्छा मुझे पुलिस वालों ने लिया नहीं जी। फिर मैंने दो चार जेबें काटी तब जाके पुलिस में गया जी मैं। और पहले हम माफिया बने थे जी शौक में, लेकिन अब माफिया मांग रहे हमारी जान बख्श। तो चलिए हमारी कुल मिलाकर कानून का राज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। न मान से चलेगा न किसी के गुमान से चलेगा, प्रेम सद्भाव वाली गीता और कुरान से चलेगा। क्या बात है। प्रेम सद्भाव वाली गीता और कुरान से चलेगा। जो लोग चाहते हैं कि अराजकता फैले वो सुन लें, ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस खूनी रंजिश का करते जो प्रतिकार नहीं, एक घटना हुई उस बात को कहना चाहता हूं मैं कि इस खूनी रंजिश का करते जो प्रतिकार नहीं, शायद उनको इस देश के संविधान से प्यार नहीं। क्या बात। कि शायद उनको इस देश के संविधान से प्यार नहीं। माना कि दुर्दांत माफियाओं का इलाज बहुत जरूरी है, पर कानून हाथ में ले ऐसी क्या मजबूरी है। पर कानून हाथ में ले ऐसी क्या मजबूरी है। जो अभी तक न संभले उनको अब संभलना होगा, और खेल समझने वाले तुमको संविधान से चलना होगा। क्या बात है। कि खेल समझने वाले तुमको अब संविधान से चलना होगा। नफरत और रंजिशों के प्रति जो ठानते रार नहीं, कि रंजित कि नफरत और रंजिशों के प्रति जो ठानते रार नहीं, शायद उनको इस देश के संविधान से प्यार नहीं। क्या बात है। अच्छा हम जब बात करते हैं कानून व्यवस्था की, और जब अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, तो उस अपराधी के मन में क्या बीत रही है। एक तो डॉन हमारे साथ है, उनकी तो हमने पीड़ा सुन ली है, लेकिन अपराधियों की पीड़ा भी जरा बता दीजिए क्या है आजकल। नवजोत जी, उससे पहले एक चीज मैं इन कवियों से कहना चाहूंगी। दीदी ये जितने भी कवि मंच पे है ना, ये जितने भी कवि मंच पे हैं, बस आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कहीं आपका कोई पुराना वीडियो किसी माफिया के लिए कसीदे पढ़ते हुए वायरल ना हो जाए, बाद में जाके बड़ा कष्ट देता है। अभी आपने बताया अपराधियों के मन में क्या चल रहा है, अपराधियों के साथ साथ ये चल रहा है उनके मानवाधिकार की बात हो रही है, और ये मानवाधिकार अपराधियों का। मैं आपके बीच में चार लाइन लगता हूँ, फिर एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा, क्योंकि ये सुनने के बाद मन में क्या आता है। सबसे पहले देखिए कि लूटकर जमीनें जो बन बैठे हैं हकदार, लूटकर जमीनें जो बन बैठे हैं हकदार, गरीबों के सपने को भी करते जो तार तार, मानवता तक को चबाकर बैठे हैं जो लोग, अरे भाड़ में जाए ऐसे माफियाओं का मानवाधिकार। बजाओ ताले जोरदार। अब एक कविता आपके बीच में रखता हूँ, छोटी सी कविता है। ये जब हम सुनते हैं ना माफियाओं का मानवाधिकार, तब हम लोगों के मन में क्या आता है। वायरल कंटेंट है, बीच में जो वीडियोस में सुनते हैं वो इसमें बीच में आएगा, सुनिएगा। कि मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, जो रास्ते में आया गाड़ दिया, अवैध अनैतिक सारे काम करके, गरीबों की जमीनें अपने नाम करके, मकसद जिनका फैलाना सिर्फ त्रास त्रास त्रास। कमाल है वो पार्टियां जो देती टिकट इन्हें करने को विकास, जो देती टिकट इन्हें करने को विकास, जिन्हें कानून पुलिस न्याय का भय नहीं, अपराध की टूटती कभी जिनकी लय नहीं, आतंकियों से लगाव जिन्हें पहले उनका भूत उतारो, आतंकियों से प्यार जिन्हें पहले उनका भूत उतारो, माफियाओं का मानवाधिकार। ओ भाई मुझे मारो मुझे मारो मुझे मारो, माफियाओं का मानवाधिकार। गांव समाज और देश के दुश्मन, इंसानियत के लिए जो हर वक्त टेंशन, लूट खसोट अपहरण बेरोक टोक, खून खराबा जिनका सबसे बड़ा शौक, न ईश्वर का डर न किसी की परवाह, जो लेते हमेशा गरीबों की आह, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, स्वर्ग नरक सब यहीं पर मिलेगा, स्वर्ग नरक सब यहीं पर मिलेगा, आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारो, माफियाओं का मानवाधिकार। ओ भाई मुझे मारो मुझे मारो मुझे मारो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए कुल मिलाकर माफियाओं का अंत होना चाहिए और कानून का राज होना चाहिए, क्योंकि जनता अपने नेता को इसलिए चुनती है ताकि उसको सुशासन मिले। इसी उम्मीद के साथ कवि सम्मेलन में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।